हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सलवार के पोंचे का एक डिज़ाइन बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बुकरम की पट्टी लेंगे। मैंने ये 3 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है और ये 4 इंच चौड़ी मैंने कपड़े की पट्टी ली है। इसको बुकरम की पट्टी को ऐसे रखेंगे कपड़े की उल्टी साइड पर, और यहाँ से एक साइड से कपड़े को फोल्ड करके ये सीधी सिलाई लगा देंगे। ये मैंने एक साइड से पट्टी को फोल्ड करके ये सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अपनी सलवार की बॉटम पर अटैच करेंगे। ये हम अपनी सलवार की बॉटम लेंगे, ये इसका उल्टी साइड है सलवार की बॉटम का। इसको उल्टी साइड पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई हम ऐसे बुकरम के ऊपर से लगाएंगे इतनी। ये देखिए, एक पैर की बिल्कुल, ये हमारी, इससे हमारी पाइपिंग निकलेगी। ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे हम ऐसे पूरे पर। ये वाली सिलाई लगा ली मैंने। अब हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। ये देखिए, ये इधर से हमारी ये पाइपिंग निकल के आएगी। एक सिलाई हम इधर पाइपिंग के किनारे किनारे से लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम इसके यहाँ ऊपर से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे पर दोनों साइड। इधर ये हमारी पाइपिंग निकलेगी, ये देखिए। ये दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी, और ये बीच सेंटर में मैंने इसके ये निशान लगा लिया है ऐसे फोल्ड करके। ये हमारा बीच सेंटर आ गया है। अब मैंने ये दो पट्टियाँ ली हैं, इनकी चौड़ाई ये देखियो इसके बराबर ही है। पहले हम एक पट्टी लेंगे, इसको आगे से ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ इंच, और हाफ इंच हम इस साइड से फोल्ड करेंगे ऐसे। और यहाँ से ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे एक पॉइंट इधर रखकर इसको ऐसे रखेंगे, एक पॉइंट इधर, एक इंच इधर, और यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ देंगे और यहाँ से ऐसे रखेंगे। और यहाँ से ये हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम इधर से फोल्ड करेंगे पट्टी को ऐसे। इधर भी हम ये हाफ इंच छोड़ देंगे, ये वाला, यहाँ से हम एक इंच, और दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच छोड़ देंगे, और ऐसे हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस वाली पट्टी को हम इस साइड रख कर ऐसे ही दोनों साइड से फोल्ड करके ये सिलाई लगा लेंगे पूरी यहाँ तक। ये मैंने यहाँ पर दो पिन लगा ली हैं। अब ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इधर, इधर से इधर और इधर ऐसे लगाएंगे हम। ये सिलाई लगाकर मैंने दोनों साइड ये पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके अंदर आप और सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो आप और सिलाई लगा सकते हैं। और अब हम इस पर ऐसे बटन लगा लेंगे। 2 बटन हम इधर लगाएंगे और 2 बटन हम इधर लगाएंगे। अपनी मनपसंद के कोई भी हम बटन लगा सकते हैं, ये देखिए। और स्टिचिंग के बाद हमारे पोचे का लुक कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए। स्टिचिंग के बाद हमारे पोचे का ये वाला लुक आएगा, ये देखिए।
इस तरह ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।